नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हिंद के सामने बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज हमारे साथ हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, जो कि किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि जो किसान आंदोलन है वो तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुका है, 90 दिन हो चुके हैं। समझते हैं कि किसान आंदोलन का आने वाले दिनों में किस तरह का स्वरूप रहेगा, क्या ये और तीखा होगा या फिर मंदा पड़ेगा। जैसे कि जो शहरी जनता है उनका मानना है कि जब बॉर्डर से किसान अब निकल चुके हैं, अलग अलग स्थानों पे पंचायतें हो रही हैं, खाप पंचायतों के तमाम हम विजुअल्स देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, टीवी पर, मगर सबके दिल में ये प्रश्न है कि ये जो आखिरकार जो किसान आंदोलन है वो किस पड़ाव पर है और उसका आगे भविष्य क्या है। जी पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा यही सवाल, तीखा या मंदा, भविष्य क्या है? देखिए अनिका जी, जिस प्रकार से सरकार ने इस आंदोलन के प्रति बिल्कुल अपनी आंखें मूंद रखी हैं, 2 लाख से ज्यादा किसान पिछले 3 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर जो है घेराव करके बैठे हुए हैं, ठंड में, आंधी में, बरसात में, ओलों में वो वहां डटे रहे और 200 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। ऐसा जो है अपूर्व है, कभी भी ऐसा हुआ नहीं है इस देश में। और उसके बाद भी सरकार ना जागे, उन किसानों से मिलने की बात ना करे। 1 महीना, आज 22 तारीख है, 22 तारीख पहले जो जनवरी में ही लास्ट वार्ता हुई थी, उसके बाद 1 महीने से कोई वार्ता किसानों सरकार के बीच में नहीं हुई है। ऐसी असंवेदनशील सरकार हमने आज तक देखी नहीं है। मैं स्वयं गया था टीकरी बॉर्डर पर, लगभग 25 किलोमीटर लंबा काफिला है, उसका वीडियो मैंने आपको भेजा था। सिंगू बॉर्डर पर 30 किलोमीटर लंबा किसानों काफिला है, इसी प्रकार गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान बैठे हुए हैं। अब इसको हमने ये सोचा कि यहाँ सरकार हमारी बात सुनने वाली नहीं है, तो हमने जो हिंटरलैंड है यानी दिल्ली के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है 300-400-500 किलोमीटर के घेरे में, अलग अलग राज्य है जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सभी जगह किसानों की वहां पंचायतें हो रही हैं जिसमें लाखों लाख लोग किसान नेताओं को सुनने आ रहे हैं। और उसके माध्यम से हमारी कोशिश है कि सरकार पे लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बने। अब देखना ये है कि ये उस चीज से भी झुकते हैं, नहीं झुकते हैं, वार्ता खोलते हैं, नहीं खोलते हैं, लेकिन असंवेदनशीलता जो है सरकार की जाहिर इन सारी चीजों से हो रही है। तो पुष्पे जी, ऐसे भी किसानों की किस तरह की स्ट्रैटेजी, हम सुन रहे हैं इन दिनों की वोट की चोट करें और तमाम इस तरह के, हमने उदाहरण हाल फिलहाल में देखे भी हैं शामली में, जैसे हमने देखा कि किस तरह से जो संजीव बालियान है जो केंद्रीय मंत्री हैं और साथ साथ पंचायत मंत्री, उन सब का किस तरह का विरोध हुआ और इस तरह के विरोध जारी है जगह जगह पर। तो आपको क्या लगता है ये जो वोट की चोट होगी वो कितनी भारी होगी, इसका कुछ असर देखने को मिलेगा क्या? जी देखिए, जब कोई सरकार असंवेदनशील हो, हमने ये बता दिया है कि आप 2 सीटों से 300 सीटों पर हमारे वोटों के बलबूते पर पहुंचे, हमने आपको वहां पर पहुंचाया है, क्योंकि किसान और मजदूर यदि दोनों को जोड़ दे तो लगभग 100 करोड़ इस देश में है। हमारे साथ युवा भी जुड़ गया है जो बेरोजगार घूम रहा है, इकोनॉमी के सारे के सारे जो सेक्शंस है वो सब बर्बादी की तरफ बढ़े हुए हैं इस वक्त, तो इस वजह से सारे समाज में एक भारी रोष है। और क्योंकि ये असंवेदनशील सरकार जो होती है वो एक ही चीज से डरती है, वो है वोट। हमें मालूम है कि जब इनको लगेगा कि इनकी गद्दी छिन सकती है, ये तुम्हारे खिलाफ वोट डाल सकते हैं, तब शायद ये सुने, उसके बाद भी ये नहीं सुनते, इनके खिलाफ वोट डालना शुरू करेंगे। जैसे पंजाब में आपने देखा अर्बन बॉडीज के जो चुनाव हुए उसमें तमाम में ये 4th-5th नंबर पे पहुंच गए। और अब 1.5 महीने के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसमें भी इनको भारी मतों से हराने का काम किया जाएगा। गांव गांव इनके खिलाफ बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं जिसमें लिखा जा रहा है कि भाजपा वालों की एंट्रियां बंद है। अभी जैसा आप जिक्र कर रही थी कि भाजपा ने रणनीति बनाई कि भाई किसान नेताओं, खाप चौधरियों के बीच में अपने नेताओं को भेज करके उनको शांत कराने का एक प्रोग्राम चलाया जाए, समझाने का किसानों को, ताकि ये कुछ ठंडे पड़े जी। इस प्रकरण में ये लोग गए थे, संजीव बालियान जी कल शामली जिले के भैंसवाल गांव में गए थे, आज किसी और कार्यक्रम में ये सोरम गांव पड़ता है जो मुजफ्फरनगर में है, जो खापों का वहां पे हेडक्वार्टर भी माना जाता है, तो वहां पे भी गए थे। तो कल इनका भारी नारेबाजी के माध्यम से विरोध किया गया, आज भी नारेबाजी हुई, तो इन्होंने अपने गुंडों के माध्यम से वहां ग्रामीणों से मारपीट की और हिंसा हुई। और जो लास्ट खबर आई है वो उसका स्थानीय थाना जो शाहपुर थाना पड़ता है मुजफ्फरनगर का, उसका घेराव जो है हजारों की संख्या में किसानों ने किया हुआ था, जो लास्ट मेरे पास खबर थी, उनको
क्योंकि उन्होंने जो किसान थे उल्टा उन्हीं को पकड़ के जेल वहां पे थाने में बंद कर दिया था। तो ये सारी चीजें हो रही है, इनका विरोध भी हो रहा है और अब ये हिंसा पे उतारू हो गए हैं। तो इससे पता लग रहा है कि ये कितने कुंठित हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। इनको तुरंत मांग मान लेनी चाहिए थी लेकिन ये अपनी जिद पर अड़े हुए। लेकिन पुष्पेन जी, जो एक आम जनता से अगर बात करो तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर सरकार अब झुक गई तो इस तरह से तो संसद से पारित ये कानून है, ऐसे तो आगे चलकर तमाम कोशिशें होंगी, तो ये तो सरकार के लिए सही नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है कि सरकार इसको लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्यों नहीं सुन पा रही है? और इधर एक और बात बोलूंगी कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी बोला कि अराजकता नहीं सही जाएगी। उन्होंने विधानसभा में कहा सरकार किसानों के साथ है लेकिन अराजकता की छूट नहीं। उनका कहना है कि कृषि कानूनों से दलाली बंद है इसलिए विपक्ष परेशान है और विपक्ष को मुद्दे पता ही नहीं है, वो बरगला रहे हैं। इन सब को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जनता जो होती है देश की वो सर्वोपरि होती है। हमारा संविधान भी जो शुरू होता है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, यानी हम भारत के लोगों ने अपने आप को संविधान दिया है। उस संविधान के तहत एक व्यवस्था दी है कि आप चुनी हुई व्यवस्था के अंतर्गत जो सरकार बनाएंगे, यानी आप हमारे से ऊपर नहीं है, हमने ही यानी भारत के लोगों ने ही संविधान दिया, संविधान ने आगे तुम्हें ताकत दी। अब उस ताकत का प्रयोग करके तुम हमें कुचलने की कोशिश करोगे तो ये नहीं चलेगा। हम मालिक हैं, तुम नौकर हो, तुमने तो हम मकान मालिक है और इसी तरीके से आप केवल किराएदार हो, 5 साल के किराएदार हो, 5 साल के लिए आपको रखा था, 50 साल के लिए आपको नहीं बिठाया गया था कि आप हमारे ही दमनकारी नीति हमारे ऊपर चालू करते। युवाओं को पकड़ पकड़ के आप जेल में डाल रहे हैं, ट्वीट कोई कर रहा है तो युवा कोई पत्रकार कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर देता उसको पकड़ के आप जेल में डाल देते हैं। आपकी ये दमनकारी नीति इस देश में किसान सहन करने वाला नहीं है। सारे देश में भारी रोष आपके प्रति है जिसको दबाने की जितनी भी आप कार्रवाई कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में आपने सीबीआई छोड़ दी। अरे भाई आप क्या कर रहे हो? आपकी जो टूल किट है, इस टूल किट की बात कर रहे हो, आपकी टूल किट जिसको मैं पाइस कहता हूं, PICE, वो फेल हो गई है। पी से पुलिस, आई से आईबी और इनकम टैक्स, सी से सीबीआई, ई से ईडी। तो आप इसके बाद टूल किट का लास्ट अस्त्र आपने हिंसा निकाला है। सोरम गांव में आपने हिंसा कराई, आपने अपने गुंडे भेज करके पिस्तौल निकाल करके सारे काम किए, वहां पर ग्रामीणों को धमकाने का काम कर रहे हैं। इस वजह से और भारी रोष पैदा होगा और ज्यादा उग्र रूप ये आंदोलन लेने जा रहा है भारी संख्या में, इनको घुसने नहीं दिया जाएगा, ऐसी स्थिति बनती जा रही है जी। लेकिन आपने जैसे बोला कि एक तरफ तो किसान बार बार कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चलाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने बोला कि हिंसा की खबरें भी आ रही हैं कई जगह, खुद सरकार की तरफ से आपका कहना है कि इस तरह की गोली चलवाई गई या इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया, तो आगे चलकर आपको क्या लगता है कितना फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा? क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन देश में अभूतपूर्व, ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है, आगे चलकर आपको क्या लगता है कि इसकी एकता, अखंडता और जो शांति प्रिय जो इसकी नेचर है उसमें कहीं सेंध तो नहीं लगेगी? किस तरह के खतरे का अंदेशा है? नहीं देखिए, मैंने बताया कार्यक्रम जो ये सोरम गांव में हुआ है वो हिंसा इनके गुंडों ने की है। इन्होंने ग्रामीण जो इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, इनको मुर्दाबाद कर रहे थे, वो हमारा अधिकार है, हम किसको जिंदाबाद करें किसको मुर्दाबाद करें। आपने अपने गुंडों से उनकी पिटाई कराई है, ग्रामीणों ने कोई हिंसा नहीं की है। इन्होंने अपनी पिस्तल दिखाई है, वहां पर फायरिंग नहीं हुई है, मैंने ये नहीं कह रहा फायरिंग हुई है। तो उसके कंसिक्वेंस में महापंचायत हुई, उसके बाद सोरम के ऐतिहासिक चबूतरे पर, उसके बाद जो है जो शाहपुर थाना पड़ता है उसका घेरा हुआ, और कल आप सभी पेपर्स में हेडलाइन आप देख लेंगे कि भाई इस तरह की घटनाएं कारित हुई है। हमारी तरफ से शांतिपूर्ण है, लेकिन शांतिपूर्ण इतने दिनों से बैठे बैठे लोगों से ये तंग आ गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे हल निकाले। तो अब ये पाइस फेल होने के बाद ये हिंसा का जो लास्ट इनका अस्त्र था वो भी बेकार जाएगा, और अंत में जीत किसानों की होगी जी। तो अब आगे आप से यही समझना चाहूंगी कि आंदोलन और ज्यादा तीखा होगा या थोड़ा मंदा पड़ेगा, क्या आगे का स्वरूप रहेगा? आने वाले दिनों में तमाम तरह के दिवस बताए जा रहे हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई तो उसमें 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस है, 24 को दमन विरोधी दिवस की घोषणा की गई है, 26 फरवरी को दिल्ली मोर्चे के 3 महीने पूरे होने पर युवाओं के योगदान को
सम्मान पूर्वक युवा किसान दिवस मनाए जाने की बात कही गई है। तो ये तमाम प्रोग्राम लाइंड अप हैं गुरु रविदास जयंती और शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर 27 जनवरी को मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। तो आगे तो देखने से यही लग रहा है कि आंदोलन तीखा ही रहेगा, लेकिन अब रबी की कटाई भी आने वाली है। जैसे कि राकेश टिकैत जी ने कहा है कि एक नजर खेत पर रखिए, एक नजर आंदोलन पर रखिए, तो संक्षिप्त में किस तरह की हम स्वरूप देख सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, ज्यादातर किसान इससे जुड़ता चला जा रहा है। हमारे देश में 14 करोड़ किसान परिवार हैं और टोटल संख्या जो है लगभग 70 करोड़ लोगों की है, तो उसमें से 2-3 लाख कभी भी दिल्ली के आसपास बैठे रह सकते हैं, रिप्लेस होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, किसी का काम भी सफर होने वाला नहीं है। अब तो सीधा सीधा है कि ये करो या मरो की लड़ाई है, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करते रहेंगे जब तक MSP की गारंटी ना मिल जाए और ये काले कानून वापस ना हो जाए। उसके बाद किसानों को समझा बुझा करके कोई ड्राइंग बोर्ड पे वापस जा करके किसी तरीके से जो है करना चाहेंगे तो उसको समझा जा सकता है, लेकिन फिलहाल इनको वापस जाना होगा। और अगर ये वापस नहीं लेते हैं कानूनों को, तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि केंद्र सरकार जो है, अब हम लोग मध्यावधि चुनाव की तरफ भी बढ़ रहे हैं, देश में इतना भयंकर रोष जैसा इमरजेंसी के समय पे हुआ था वैसा हो जाएगा। और ये वन नेशन वन इलेक्शन की बड़ी बात करते हैं, मैं तो इन्हें खुला चैलेंज करता हूँ आपके कार्यक्रम के माध्यम से, आप आज चुनाव करा लीजिए, आप इतने पॉपुलर अपने आप को मानते हैं सारे देश में सभी राज्यों में, और केंद्र सरकार का चुनाव मध्यावधि आप करा के देख लीजिए, आपकी बुरी हालत हो जाएगी। किसान, मजदूर, युवा सब लोग इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम आपने बताए सभी अलग अलग वर्गों को एड्रेस करते हुए ये कार्यक्रम है, और पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, आर्मी और ये के अलावा बाकी सबकी पेंशन, सरकारी कर्मचारियों के DA सब चीज इन्होंने काट दी है। सारे वर्ग जो है आज की तारीख में इस सरकार से त्रस्त है। ये सरकार तेजी से अपने अंत की तरफ बढ़ रही है, और हमें ये भी पता लग गया है कि भाई रावण का वध करना है तो उसकी नाभि पे अटैक करना होता है, और रावण की नाभि जो है वोट है, वोट के माध्यम से जब हम इनकी इनकी गद्दी छीनेंगे तभी ये मानेंगे, ये नहीं मानेंगे अगली सरकार लाएंगे हम, उसके माध्यम से अपना काम कराएंगे, तो इनको तो अब जाना होगा, ये सुनिश्चित हो चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेन जी इस बातचीत के लिए और ये जो आपने इनसाइट दिए इस चर्चा के तहत। तो लगता तो यही है कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन का स्वरूप और ज्यादा तीखा होगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार एक बार फिर से किस तरह से जो बातचीत का रास्ता है वो एक बार फिर से अख्तियार करती है और इन जो ये मुद्दे हैं उनको सुलझाने की कोशिश करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।